ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति है आज गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले आयुष्मान भव अभियान के करी शुभारंभ। प्रधानमंत्री है काली एक दिन के दौरा में रायगढ़ आही। कोंडा तराई में करीबन 6,350 करोड़ रूपया के रेल क्षेत्र वाले परियोजना मल्ल करही राष्ट्र समर्पित। और केंद्र सरकार है 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन देवाए पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेरा ला 3 साल तक और बढ़ाए के मंजूरी दे दे है। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ करीन। ये अभियान के उद्देश्य जम्मो लोगन मल्ला बड़का स्तर में स्वास्थ्य सेवा देवाना हवाय। राष्ट्रपति है गांधीनगर में राजभवन ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ए अभियान के शुरुआत करीन। ए मौका में ओमन कहीन कि कोनो भी गांव या जगह स्वास्थ्य सेवा ले छूटना नहीं चाहिए। स्वस्थ भारत के हमर सपना तभी साकार हो सकी जब जम्मो लोगन मन स्वस्थ रही। आयुष्मान भव अभियान ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर ले 2 अक्टूबर तक चलैया सेवा पखवाड़ा में लागू करे जाही। ये अभियान है जम्मो राष्ट्र और पूरा समाज ला साथ लेके चले के उद्देश्य ऊपर आधारित है। ये अभियान के 3 भाग है जिमा आयुष्मान आपके द्वार, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर आयुष्मान मेला और हर गांव हर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान सभा के आयोजन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है काली एक दिन के दौरा में रायगढ़ आवत हैं। ये दौरान ओमन कोंडा तराई में करीबन 6,350 करोड़ रूपया के रेल क्षेत्र के बड़का परियोजना मल्ला राष्ट्र ला समर्पित करही। ये परियोजना में चंपा ले जमगा के बीच 3 रेल लाइन, पेंड्रा रोड ले अनूपपुर के बीच 3 रेल लाइन के संगे संग कोयला खदान ला एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ले जुड़ैया एमजीआर प्रणाली शामिल है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री है प्रदेश के 9 जिला दुरुग, राजनांदगांव, कोंडागांव, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ में 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए के घलो शिलान्यास करी और संगे संग 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड बांटी। ये परामर्श कार्ड ला राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कोती ले दे जाही। काली के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री है कोंडा तराई में 1 आम सभा ला घलो संबोधित करी। केंद्र सरकार है वित्त वर्ष 2023 ले 2026 के दौरान 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन देवाए पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेरा ला 3 साल तक बढ़ाए के मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट के बैठक में ये फैसला लेगी। एकर ऊपर 1,650 करोड़ रूपया के खर्चा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है नई दिल्ली में मीडिया ला बताये कि ए बार घलो उज्ज्वला योजना के तहत पहली जैसन 1 भरे गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा मुफ्त में दे जाही। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल है 4 साल पर 7,210 करोड़ रूपया के वित्तीय खर्चा के संग ई कोर्ट मिशन के 3 चरण ला घलो मंजूरी दे दी है। ई कोर्ट के उद्देश्य न्याय प्रणाली ला ऑनलाइन और पेपरलेस बना के लोगन मन पर ज्यादा सरल बनाना है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है शिक्षक मन के पदोन्नति और तबादला के मामला में जस के तस बनाए रखे के आदेश राज्य सरकार लते है। ए मामला में हाईकोर्ट में 600 ले ज्यादा याचिका शिक्षक मन को तिले लगाई गई है। राज्य सरकार है 2,723 शिक्षक मन ला एक तरफा कार्य मुक्त कर दे रही, जखर बाद ये शिक्षक मन हा ट्रांसफर वाले जगह में जाके पदभार नहीं ले रही, जखर से स्कूल मन में पढ़ाई हा प्रभावित होत रही। इसी दौरान करीबन 600 शिक्षक मन हा हाईकोर्ट में ये मामला में याचिका दायर करीन और राज्य सरकार डहर ले करे गे संशोधन ला निरस्त करे के मांग करे रही। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब दोनों पक्ष मन ला जैसे पहले की स्थिति है वैसे बनाए रखे बर कहे गये है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़ो बांचे समाचार खोती। भाजपा के परिवर्तन यात्रा काली दंतेवाड़ा ले शुरू हो गई है।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अगुवाई में निकले यात्रा के कतकोन जगह स्वागत होइस। यही कड़ी में काली संझा जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर के तीर सिरासार में आम सभा होइस। सभाला केन्द्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक शिवरतन शर्मा, ब्रिजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और केदार कश्यप संबोधित करीन। भाजपा नेता मन कहीन कि केंद्र सरकार डहार ले लोगन मन के कल्याण बर कतकोन हितकारी योजना लागू करे गये है, जिला छत्तीसगढ़ सरकार ह सही ढंग ले नहीं चलावा पात है। भाजपा के परिवर्तन यात्रा आज बस्तर विधानसभा के करपावंड पहुंच गये है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के मौका में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहार ले कतकोन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाही। यही कड़ी में काली रायपुर के नवीन विश्राम गृह में स्कूल और कॉलेज के छात्र मन भर पोस्टर और एनवायरोथान प्रतियोगिता रखे जाही। ये प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रतिभागी मन आधार कार्ड के संग स्कूल और कॉलेज के पहचान पत्र लाना पड़ी। पोस्टर प्रतियोगिता के विषय ओजोन परत में सुधार और जलवायु परिवर्तन में कमी रखे गये है। उन्हें इनवायरोथान प्रतियोगिता के खजाने के लिए कचरा विषय ऊपर आधारित रही। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोती ले सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 बजर ऊपर आधारित 3 दिन के मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी आज ले महासमुंद के बागबाहरा में शुरू हुई। ये प्रदर्शनी के शुभारंभ महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू करीन। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रादेशिक कार्यालय रायपुर के प्रमुख शैलेश फायघलो आए रहीन। चित्र प्रदर्शनी के पहले दिन कतकोन प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर नामांकन 15 सितंबर ले करे जा सकते। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय लैका मन में ऊर्जा, आत्मविश्वास, जोश और उत्साह के पर्व मनाए बर हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के आयोजन करते। पुरस्कार की घोषणा 26 दिसंबर के वीर बाल दिवस के मौका में करे जाही। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व पोला काली प्रदेश में उत्साह के संग मनाया जाही। पोला तिहार खेती किसानी ले जुड़े गाय गरु के महत्ता ला बताए के पर्व है। ए दिन किसान मन अपन घर में पोसे बैला के संगे संग माटी ले बने नांदिया बैला के पूजा पाठ करते और बने फसल होए के भगवान ले प्रार्थना करते। ये पर्व के दिन कतकोन जगह में बैल दौड़ के आयोजन घलो करे जाते। काली के पोला तिहार ल लेके रायपुर के संगे संग गांव गांव तरी के बाजार मन में भीड़ बाढ़ गये है। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ के एक दो जगह में भारी वर्षा होने की चेतावनी दे है और संगे संग ये जगह के कोनो कोनो क्षेत्र में गाज गिरे के संभावना घलो जताया है। मौसम विभाग ने मिले जानबा के मुताबिक एक दिन ऊपरी हवा के चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और ओखर ले लगे उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर बने हैं, जेकर सेती काली कतकोन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होने की संभावना हवे। अब थोर कुन समाचार सार मा। संघ लोक सेवा आयोग डहार ले हुआ सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 15, 16, 17, 23 और 24 सितंबर के दो पाली में होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में आने आने पाठ्यक्रम मन में प्रवेश पर ऑनलाइन पंजीयन के काम ल 20 सितंबर तक बढ़ा दे गये है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर ऑनलाइन अर्जी 15 सितंबर ले 10 अक्टूबर तक रखे गये है। रायपुर के शंकर नगर स्थित शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में सत्र 2023 ले 25 बर एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विभागीय और सीधी भर्ती के अभ्यर्थी मन के अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी मन ए बारे में 15 सितंबर तक दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं और भूतपूर्व सैनिक मन के प्रतिभावान लड़का मन पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड धार ले छात्रवृत्ति योजना पर 30 अक्टूबर तक अर्जी मंगाए गये है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। राष्ट्रपति आज गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले आयुष्मान भव अभियान के करीन शुभारंभ। प्रधानमंत्री कल एक दिन के दौरा में रायगढ़ आही। कोंडा तराई में करीबन 6,350 करोड़ रूपया के रेल क्षेत्र वाले परियोजना मल लकर ही राष्ट्र ल समर्पित और केंद्र सरकार 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिवाए पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेरा ल 3 साल तक और बढ़ाए के मंजूरी दे दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।